हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है इंटरव्यू। हम पढ़ेंगे इंटरव्यू के बारे में और इंटरव्यू कितने टाइप का होता है उसके बारे में। तो देखिए, इंटरव्यू क्या होता है, जनरली दो या दो से ज़्यादा बंदों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, एक तरह से आप ये पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन आंसरिंग होती है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, इंटरव्यू बोल सकते हैं। तो इंटरव्यू के कई तरह होते हैं, कई प्रकार का हो सकता है, कुछ टाइप्स होते हैं इंटरव्यू के, तो वो क्या क्या हैं हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है, जहाँ पर पहले से एक सेट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पहले क्या पूछना है, उसके बाद क्या पूछना है वो होता है, और एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, मतलब क्वेश्चन किस सीक्वेंस में पूछे जाएंगे ये मेंशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो जनरली जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है वो फॉर्मल टाइप का इंटरव्यू होता है या फिर सर्वे कर। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू की बात करें तो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू के अंदर ऑब्वियस है इसका अपोजिट होगा, ना तो कोई सीक्वेंस होगा, ना कोई ऑर्डर होगा, ना ही ये फॉर्मल होगा। तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्लोज एंडेड होते हैं, जहाँ पर येस और नो की फॉर्म में क्वेश्चन हो या फिर ट्रू और फॉल्स हो, तो वो क्लोज एंडेड होते हैं। यहाँ ओपन एंडेड मतलब येस और नो के साथ डिस्क्रिप्शन भी आप दे रहे हो, पूरा डिटेल में आप आंसर बता रहे हो, जहाँ पर कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन पहले से डिटरमाइन नहीं होते। जो कन्वर्सेशन होता है नेचुरल होता है बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। हाँ, मैंने एक चीज़ नहीं बताई, इंटरव्यू मैंने बताया आपको दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में इंटरेक्शन, जहाँ पर एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूसरा जवाब देता होता है। जो पर्सन क्वेश्चन पूछता है उसे हम बोलते हैं इंटरव्यूअर, और जो पर्सन जवाब देता है उसे हम बोलते हैं इंटरव्यूई। उसके बाद अगर हम बात करें अनस्ट्रक्चर्ड में, क्वालिटेटिव रिसर्च जब करता है रिसर्चर, तो वहाँ पर वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का यूज़ करता है। आगे हम बात करते हैं हम सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर से आपको समझ आ ही गया होगा कि जहाँ पर मिक्सचर होता है क्वेश्चन का, कि कुछ स्ट्रक्चर्ड होते हैं और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, तो यहाँ पर मिक्स होगा दोनों का। तो यहाँ पर एक जनरल फ्रेमवर्क यूज़ करता है ताकि जो डिस्कशन है उसे और फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। तो हो सकता है कि थोड़ा सा कम्फर्टेबल कराने के लिए इंटरव्यू को पहले जो इंटरव्यूअर है वो क्या पूछ ले, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पूछ ले। जब वो लगे कि सामने वाला कंफर्टेबल हो चुका है, तब वो जो उसने डिज़ाइन किए हुए हैं अपने क्वेश्चंस वो पूछ ले। उसके बाद आता है बिहेवियरल इंटरव्यू। यहाँ पर जो मेन फोकस होता है इंटरव्यूअर का, वो होता है इंटरव्यूई की पास्ट बिहेवियर के बारे में जानने में और उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में जानने में, कि उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या रहेगी। कहाँ कहाँ यूज़ होता है बिहेवियरल इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यूज़ के टाइम पर, जहाँ पर कैंडिडेट को बोला जाता है, जहाँ पर कैंडिडेट को एक स्पेसिफिक सिचुएशन दे दी जाती है और उन्हें बोला जाता है कि ये सिचुएशन है आपके सामने, आप इसे सॉल्व करके दिखाइए, आप ये बताइए कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इंटरव्यूअर की क्या कोशिश होती है, इंटरव्यूई के बिहेवियर के बारे में जानने की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पैनल इंटरव्यू की, पैनल इंटरव्यू, यहाँ पर इंटरव्यूअर बहुत सारे होते हैं और इंटरव्यूई क्या होता है, एक। आपने जर्नल सीरीज़ वगैरह देखी होंगी, जैसे यूपीएससी वगैरह का इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पर क्या है, 5 से 6 लोग होते हैं जो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं और एक पर्सन जो उसका रिप्लाई कर रहा होता है। इंटरव्यूई एक होता है, इंटरव्यूअर बहुत सारे होते हैं। रीज़न क्या होता है पैनल इंटरव्यू लेने का, कि जब डाइवर्सिफाइड एरिया की नॉलेज चाहिए होती है एक पर्सन को, तो अलग अलग एरिया के स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को बुलाया जाता है इंटरव्यू लेने के लिए, वो अपने अपने एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो ये इंटरव्यू क्या होगा, जहाँ कहीं पर कोई एकेडमिक सेटिंग हो, मतलब किसी पर्टिकुलर कोर्स में आपको जाना हो, या फिर आपको ऐसा बंदा चाहिए हो अपने काम के लिए जिसको डाइवर्सिफाइड फील्ड की नॉलेज हो, तो वहाँ पैनल इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद आता है ग्रुप इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में मैंने आपको बताया कि जहाँ इंटरव्यूअर ज़्यादा होंगे और इंटरव्यू कौन होंगे, एक ही होगा। अब ग्रुप इंटरव्यू में जब मल्टीपल इंटरव्यूज होंगे, मतलब जिनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत सारे हैं, और इंटरव्यू लेने वाला हो सकता है एक ही बंदा हो,
ये कहाँ यूज़ होता है, जहाँ मास रिक्रूटमेंट होती है, क्योंकि वहाँ छटनी करनी होती है। हमारे पास एकदम 1000 एप्लीकेशंस आ गई इंटरव्यू के लिए, तो 1000 का इंटरव्यू 1 by 1 नहीं लिया जा सकता। तो पहले कुछ बेसिस बना के प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद मेजर इंटरव्यू होगा, उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू जनरली किस लिए यूज़ होता है, ये जानने के लिए कि अगर पर्सन को किसी स्पेसिफिक कंडीशन में डाल दिया जाए, प्रेशर में डाल दिया जाए, तो उसको कैसे वो हैंडल करेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू को डिफ़िकल्ट सिचुएशन दी जाती है और उससे बोला जाता है कि आप इस सिचुएशन को कैसे कन्फ्रंट करेंगे। उसके बाद आ जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू। यहाँ पर इंटरव्यूअर जो है इंटरव्यू की स्पेसिफिक स्किल्स को जानना चाह रहा है, उसमें क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या कॉम्पिटेंसेस हैं, उसके बारे में जानना चाहता है। कैंडिडेट्स को बोला जाता है कि आप जैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ, किसी प्रोजेक्ट को बनाकर दिखाओ, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह के केस में ये स्किल बेस्ड टेस्ट होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका टेलीफोन या फिर वीडियो इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू कौन सा होगा, जहाँ पर टेलीफोनिक राउंड लिया जाता है, या फिर वीडियो जो मीडियम हो गए जैसे जूम हो गया, स्काइप हो गया, उसके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो यहाँ पर जनरली ये जो टेलीफोनिक या वीडियो इंटरव्यू होता है, ये प्रीलिमिनरी राउंड के लिए होता है, मतलब जो फर्स्ट राउंड होता है इंटरव्यू का, उसके लिए होता है। उसके बाद आ जाता है आपका केस इंटरव्यू। केस इंटरव्यू कहाँ पर लिया जाएगा, जहाँ पर कैंडिडेट को एक पर्टिकुलर केस दे दिया जाएगा और उसे बोल दिया जाएगा कि इसे सॉल्व करके दिखाओ। यहाँ पर जनरली कोशिश ये रहती है इंटरव्यूअर की कि इंटरव्यू की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को टेस्ट कर सके या एनालिटिकल स्किल का टेस्ट कर सके। उसके बाद आ जाता है टेक्निकल इंटरव्यू। यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज या स्किल को देखा जाता है, उस पर फोकस किया जाता है, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे आईटी के फील्ड में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में, जहाँ पर ये देखा जाता है कि इस प्रॉपर टेक्नोलॉजी की मतलब नॉलेज है भी पर्सन को या फिर नहीं है। उसके बाद आ जाता है एग्ज़िट इंटरव्यू। एग्ज़िट इंटरव्यू कब लिया जाता है, जब एक एम्प्लॉई क्या है ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाना चाहता है, रिज़ाइन करता है, तो एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन जो इंटरव्यू लिया जाता है उसे बोला जाता है एग्ज़िट इंटरव्यू। इसका एम होता है ये जानना कि जो पर्सन है वो क्यों ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है। अगर कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसे कंट्रोल में किया जा सकता है, तो एचआर उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरव्यूज़ थे जो हमने आज डिस्कस किए। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।